जंगली हाथी बीते कुछ दिनों से चांपा जांजगीर के छाता जंगल से निकलकर बिलासपुर जिले में प्रवेश कर चुका है। यहां बिलासपुर वन मंडल के सोठी सर्किल के जंगल में जमकर उत्पात मचा रहा है। इस दौरान कई ग्रामीणों को दौड़ा भी चुका है। 29 अगस्त की शाम तक हाथी गांव में भ्रमण कर रहा था। देर रात हाथी जंगल के पहाड़ की ओर चला गया है। शुक्रवार की सुबह वन विभाग के स्टाफ सर्च करने जंगल के अंदर प्रवेश किए तो हाथी उन्हें एक जगह बैठकर आराम करते हुए नजर आया। वन अमला 500 मीटर दूर खड़े होकर हाथी पर नज़र बनाए हुए है। दंतेल हाथी किसी व्यक्ति को नुकसान तो फिलहाल नहीं पहुंचा रहा है, पर कई ग्रामीणों को फसल को रौंद चुका है। बताया जा रहा है कि हाथी कोरबा जंगल की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहा है। फिलहाल सीपत सर्किल प्रभारी अजय बेन एवं सोठी सर्किल प्रभारी हफीज खान ने बताया कि हाथी पहाड़ की ओर जा रहा है और अभी गांव से करीब 10 किलोमीटर दूर पहुंच गया है, और यह भी संभावना जताई जा रही है कि हाथी गांव अब नहीं लौटेगा। वन स्टाफ रात भर जंगल में गश्त कर रहे हैं, आसपास के लोगों को अलर्ट भी कर रहे हैं। हाथी दिन के समय आराम करता है और रात में वह आगे बढ़ता है। जंगली हाथी के सिपत क्षेत्र में आने से ग्राम पंचायत सोठी, निड़तू, अदराली, बिटकुला, आमानारा, पेंगवा, परा, जेवरा, खोंदरा, कनई, जुहली, कुगदा, मड़ई, खमरिया, लूथरा, उनी, कुली और आसपास के गांवों में काफ़ी दहशत का माहौल है। वन अमला का कहना है कि वर्ष 2023 फरवरी में उड़ीसा से भटक कर 11 हाथियों का दल रायगढ़, शक्ति और जांजगीर के रास्ते सिपत के सोठी वन सर्किल में पहुंचा था। इस दल ने सोठी के जंगल में लगभग 26 घंटे गुजारे थे और स्थानीय लोगों को यह दहशत आज भी याद है। हाथी रात के समय जंगलों से निकलकर लोगों के खेतों और बाड़ियों में घुस रहा है। सुबह लोग हाथी के पैरों को, लीथ को स्पष्ट देख पा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से हाथी के पैर जमीन में धंसे हुए हैं। बताया जा रहा है कि हाथी की पैर की वजह से 6 से 8 इंच तक गड्ढे भी उन्हें खेतों में स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। यह हाथी जिस ओर बढ़ रहा है उस क्षेत्र में लोगों में काफ़ी दहशत है। सभी को पता है कि इस हाथी ने 3 महिलाओं के साथ कई मवेशियों की जान भी ले ली है। हम अपने चैनल के माध्यम से इस हाथी को लेकर कोरबा जिले, चांपा जांजगीर जिले और अभी वर्तमान में बिलासपुर जिले तक उसकी गतिविधियों को जानकारी जुटाकर आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर आपको हमारी खबर, हमारी जानकारियां अच्छी लग रही हों तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।